रोहित के जीवन के क्षण यूं थे। स्कूल की पढ़ाई के दौरान रोहित अपने परिवार के साथ एक छोटे से शहर में रहता था। पढ़ाई लिखाई में इसका मन नहीं लगता था। अपनी कक्षा में ये हमेशा ही फिसड़ी रहता था। मुश्किल से किसी तरह पास होकर अगली कक्षा में पहुंचता था। स्कूल के बच्चों से लेकर मोहल्ले तक लोग रोहित का मजाक उड़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ते थे। रोहित की पढ़ाई में कमजोरी से उनके माता पिता भी दुखी रहते थे। पढ़ाई में पिछड़ने का दुख तो रोहित को भी होता था, परंतु कोशिश करने पर भी पढ़ाई में उसका मन नहीं लगता था। हर तरफ से दुखी होकर अंत में रोहित ने पढ़ाई छोड़ने का मन बना लिया। अभी वह 10वीं कक्षा में था। उसकी पढ़ाई की जो स्थिति थी उससे बोर्ड की परीक्षा में उसे पास करने की उम्मीद लगभग न के बराबर थी। अपने जीवन से निराश रोहित एक दिन जब स्कूल से घर लौट रहा था तो रास्ते में एक जगह रामायण की कथा हो रही थी। उस समय ओजस्वी स्वर में कथावाचक लंका कांड की व्याख्या कर रहे थे। कथावाचक के ओजस्वी स्वर से बुरे ख्यालों में खोए रोहित की तंद्रा भंग हुई और वह सम्मोहित होकर कथास्थल की ओर चल पड़ा। कथास्थल पर पहुंचकर वह जगह बनाते हुए आगे की पंक्ति में जा बैठा। रोहित को देखकर कथावाचक मुस्कुराए और अपनी कथा को जारी रखा। रोहित एकाग्रता से कथा के एक एक शब्द को सुन रहा था। उस समय कथावाचक कह रहे थे, समस्या बड़ी गंभीर थी। सागर तट पर भगवान राम की सेना के सभी योद्धा लक्ष्मण, हनुमान, सुग्रीव, अंगद आदि गंभीर सोच में डूबे थे। जटायु से यह तो पता लग गया था कि रावण सीता को लेकर दक्षिण दिशा में उफनते समुद्र के पार स्थित अपने राज्य लंका में गया है, परंतु इस विशाल समुद्र को लांघकर लंका जाएगा कौन? समस्या विकट थी। तभी वहां की शांति सुग्रीव के आवाज से भंग हुई। सुग्रीव ने प्रभु राम से कहा कि हमारे बीच एक ऐसे दिव्य शक्ति है जो समुद्र लांघकर लंका जा सकते हैं। तभी भगवान राम की जिज्ञासा को शांत करने के लिए सुग्रीव ने महाबली हनुमान की ओर देखा। सुग्रीव के संकेत से हनुमान जी सतपका गए। हनुमान जी की असमंजसता को भांपते हुए सुग्रीव ने कहा, हे पवन पुत्र, संभवतः आपको अपनी शक्ति का ज्ञान नहीं है। बचपन में आपने सूर्य को एक फल समझते हुए एक छलांग में उसे सैकड़ों कोस दूर जाकर निगल लिया था, तो फिर लंका की दूरी ही क्या है? जरूरत है तो सिर्फ आपको अपने विश्वास को जगाने की। आप जब अपने विश्वास को जगा लेंगे और मन में ठान लेंगे तो शक्ति आप में स्वतः आ जाएगी। सुग्रीव की बात सुनकर एक तरफ जहां हनुमान जी को आश्चर्य हुआ वहीं उनका विश्वास भी जागा और वे समुंदर लांघने को तैयार हो गए। अगले ही दिन उन्होंने पूर्ण विश्वास के साथ समुंदर लांघते हुए लंका की ओर प्रस्थान किया। रास्ते में मुश्किलें तो बहुत आई, फिर भी वे सभी मुश्किलों को परास्त करते हुए लंका में मां सीता को ढूंढने में सफल हुए। वहां कथावाचक के एक एक शब्द को मंत्रमुग्ध होकर सुन रहे
रोहित का नया जन्म हो चुका था। कुछ समय पहले तक जिस रोहित की आंखों से निराशा के भाव झलक रहे थे, अब उसकी आंखों में चमक थी। उसके शरीर में उत्साह और स्फूर्ति का संचार होने लगा था। कथा खत्म होने के साथ ही वह तेजी से घर की ओर चल पड़ा। उसे सफलता का मूल मंत्र मिल चुका था। वह मन ही मन सोच रहा था कि जब हनुमान जी ने अपने विश्वास से शक्ति अर्जित कर समुंदर को लांग लिया था, तो पढ़ाई कौन सी बड़ी बाधा है। उसी दिन से रोहित ने प्रण कर लिया कि वह ध्यान लगाकर खूब पढ़ेगा और सफलता अवश्य प्राप्त करेगा। उसकी मेहनत रंग लाई। अपनी कक्षा में सबसे फिसड्डी रहने वाला छात्र रोहित 10वीं की बोर्ड परीक्षा में सबसे अव्वल आया। इसके बाद रोहित ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और जिंदगी में हमेशा अव्वल ही आता रहा। वह लोक सेवा की परीक्षा में भी प्रथम स्थान पर आया और अपने आप पर विश्वास की बदौलत वह सरकारी महकमे में भी पदोन्नति पाते हुए ऊंच ओहदे तक पहुंच गया। दोस्तों, हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि हर सफल व्यक्तित्व के पीछे उस व्यक्ति के विश्वास का मुख्य योगदान होता है। किसी भी कार्य को करने से पहले उसके प्रति हमें पूर्ण विश्वास होना ज़रूरी है। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी ही हिंदी कहानियों के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।